हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी एंड आई एम चित्रा, आई एम पाराशर। आप लोगों को यहाँ पर एयरफोर्स एक्सक्रूप मैथ्स के लिए हम लोग बात करते हैं। अभी तक हमने इसमें एल्जेब्रा के तीन पार्ट्स कवर करे हैं, तीन चैप्टर कवर करे हैं, जिसमें हमने कवर करा है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और हमने कवर करा है सीक्वेंस सीरीज यानी कि एपी जीपी एचपी। अब थोड़ा सा हम एक टॉपिक डिफरेंट उठा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैम थोड़ा सा कुछ अलग पार्ट उठाइए, कॉनिक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने यहीं पर कॉनिक सेक्शन अपना स्टार्ट करा है, कार्टेशियन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट आपका स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। सो इस टॉपिक के लिए अगर हम आपसे बात करते हैं, आपके एयरफोर्स एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और इसमें अगर हम हाइपरबोला, एलिप्स इन सबको भी मिला दें तो आपके इस टॉपिक से बनते हैं, यानी इस सेक्शन से बनते हैं आपके दो से तीन क्वेश्चन। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग जाएंगे। इससे पहले कि आप लोग जाएं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपको लगता है कि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरी लाइव क्लासेस के लिए, तो आप अन अकेडमी पर चित्रा जीना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस का। तो बढ़ते हैं हम लोग आज अपने पार्ट्स पर, एंड अन अकेडमी के अलावा यूट्यूब पे हमारा अपना चल ही रहा है, जहां पर हम एलजेब्रा पार्ट कर रहे हैं, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे अपने चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी पर, ठीक है। लास्ट 14 ईयर्स से हम लोग डिफेंस में ही अपनी सर्विसेज देते रहे हैं, बच्चों को प्रिपेयर कराते रहे हैं, मेरठ में वेल रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है, अगर कोई आप में से मेरठ का स्टूडेंट हो वो जानता होगा, एंड एयरफोर्स के लिए अन अकेडमी पर हम लोग अभी अटैच हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कार्टेशियन सिस्टम, जिसको हिंदी में आप सभी लोग कहते हैं कार्तीय, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में बात करेंगे कार्तीय तल। स्पेलिंग्स पर मत जाना, कंसेप्ट पर जाना। कार्तीय तल होता क्या है आपका, देखिएगा जरा, अगर आपके पास हम कहें कि हम ये दो लाइनें खींच दें जो एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो जो ये लेटी हुई लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्स अक्ष, ठीक है। और जो ये खड़ी हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। तो इस तरह से ये किसी भी तल को, प्लेन को, ये दो लाइनें चार हिस्सों में बांटती हैं। सपोज ये इस समय डिजिटल बोर्ड है या कागज का एक पन्ना है, ये प्लेन है, समतल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो डायमेंशन हैं, दो विमाएं हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो ये दो लाइनें जब यहाँ पे खींच दी है तो ये कितने हिस्सों में बांट रही है, इसे चार हिस्सों में, ठीक है। और ये चार हिस्से आपके क्या कहलाते हैं, ये चार हिस्से आपके कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाते हैं बच्चे आपके, ये स्पेलिंग, चार हिस्से क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, जिसको हिंदी में आप सभी लोग कहते हैं चतुर्थांश। कौन कौन से होते हैं, देखो इन दोनों रेखाओं ने जहां एक दूसरे को काटा, मान लीजिए वो जीरो है, क्या है, जीरो जीरो, जिसको शो करते हैं ओ से, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। अब हमने कहा ये एक्स एक्सिस का, मैं एक्सिस हटा देती हूं इधर से आपको, क्योंकि कंसेप्ट मुझे समझाना है। तो ये हमारी जो लेटी हुई लाइन है ये होती है एक्स डैश ओ एक्स एक्स एक्सिस, और ये खड़ी हुई लाइन वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, जिसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बिल्कुल बेसिक पर हम लोग हिट कर रहे हैं, कहते हैं ना वो जीरो से हीरो लेवल तक, उस सिचुएशन, उस कंडीशन में मैं आपको लेके चल रही हूं। अगर आपने अभी तक इससे लेवल पे नहीं पढ़ा या डाउट्स हैं तो वीडियो को ध्यान से देखो, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आओ जरा इसमें आगे की ओर, अगर हम जाते हैं एक्स एक्सिस की राइट साइड पर, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस की राइट साइड यानी ऊपर प्लस, एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड यानी माइनस, y एक्सिस की नीचे की साइड यानी कि माइनस। तो इस तरफ अगर हम आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो x माइनस y प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो x माइनस y माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाते हैं तो x प्लस और y हमारा माइनस होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब इसी में अगर हम बात करते हैं, इसी में हम लोग अगर बात करते हैं आगे, हमारा कोई एक पॉइंट है सपोज P, मान लीजिए इसको एक्स वाई हम कह रहे हैं, तो जो ये एक्स होता है जो पहले नंबर पर लिखा है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कोटि और भुज, ऑर्डिनेट और एब्सिका आप लोग बोलते हैं, यस और नो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई बार ये आ जाता है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कोटि y वाले निर्देशांक को, और जो x वाला होता है इसको कहते हैं हम लोग भुज यानी एब्सिका, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अब हमने इतना कार्टेशियन प्लेन पढ़ा तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए एक्स वन वाई वन है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी एक्स टू वाई टू है, मान लीजिए ये ए इस तरफ और ये बी आपका इस तरफ है, और वो हमसे कह रहा है इनके बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए क्या होगी। सो इनके बीच की दूरी होती है अंडर रूट, जिसको डी भी कह सकते हो, आप चाहो तो ए बी भी कह सकते हो, कितनी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफी जगह ये यूज होता है, तो एक बार देखिएगा जरा ध्यान से इसे। अब तो और जोर से आवाज आ रही है पहले के मुकाबले। चलिए अब मैंने कहा इस पर काफी सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन आते किस तरह से हैं वो भी जरूरी है ना, फॉर्मूला तो आप सब लोगों को पता था। इस पर बेटा क्वेश्चन दो कैटेगरी में आपका यहाँ पर बनता है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखना जरा। पहली कैटेगरी है आपके पास कोई भी एक त्रिभुज दे देगा, कोई भी एक आपको ट्राइंगल दे देगा, मान लीजिए उसने ट्राइंगल ए बी सी दे दिया और वो इसके आपको वर्टिसेस दे देगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और इसी तरह से यहाँ पर दे देगा एक्स थ्री वाई थ्री। या तो इस ट्राइंगल की कंडीशन आपसे पूछेगा कि ये ट्राइंगल कैसा है आपका, इक्विलेटरल है, आइसोलिसिस है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, इस तरह से। तो देखो क्या करना है, मैं हर एक के लिए आपकी कंडीशन यहाँ पे बनाते हुए चल रही हूँ, ठीक है, देखना जरा। अगर कभी भी आपका ट्राइंगल आइसोसेल्स बोलेगा, हिंदी में अगर बात करें समद्विबाहु बोलेगा, सो हमेशा ध्यान रखना, आपने अभी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल आएगी, या तो ए बी बराबर बी सी आ जाएगा या ए सी बराबर बी सी आ जाएगा, ठीक है, या हो सकता है आपके पास ए बी बराबर ए सी, ए सी बराबर बी सी, बी सी बराबर किसके, सॉरी ए बी और ए सी बराबर, ए बी और ए सी बराबर। तो कभी भी अगर किन्हीं दो पॉइंट्स दो साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आती है ट्राइंगल के अंदर, सो वो हमेशा आइसोलेसिस समद्विबाहु होगा। अगर वो आपसे इक्विलेटरल पूछेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो समबाहु, सो समबाहु त्रिभुज के लिए हमेशा ध्यान रखना तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर किसके सी ए के, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछेगा राइट एंगल्ड, कौन सा पूछेगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसको आप लोग हिंदी में क्या नाम देते हो बच्चे, आप देते हो समकोण त्रिभुज। अगर ये पूछेगा तो समकोण त्रिभुज में तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी किसी एक साइड का स्क्वायर बची हुई किन्हीं दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल आएगा, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको देखना होगा। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपसे, इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि अगर आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसका मतलब कहते हैं आप लोग हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो बताओ कंडीशन क्या होगी। आप लोग याद करो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, आपने वहां पे कोसाइन रूल में कॉस ए पढ़ा होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी।
पाइथागोरस में 90 डिग्री भी तो यहीं से कह रहे हो, दो साइड का स्क्वायर तीसरी की इक्वल जीरो, और जीरो किसकी वैल्यू होती है कॉस 90 की, तो यहीं से हम लोग एक्यूट और ऑब्ट्यूस का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखो जरा, एक्यूट हर एक एंगल 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से छोटा। और अगर वो आपसे कह रहा है ऑब्ट्यूस है, कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसको आप लोग कहते हो अपना क्या, अधिक कोण त्रिभुज, क्या नाम देते हो बच्चे, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये चीज ए स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि अगर ये बड़ा है माइनस का साइन, और कॉस में माइनस कहाँ आता है आपका, कॉस के अंदर माइनस आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि डिस्टेंस पर आपके किस किस कंडीशंस पे क्वेश्चन बन सकता है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि सारे कंसेप्ट आपके एक साथ कवर हो जाएं, ठीक है। चलो, एक तो होता है ट्रायंगल पे आती है कंडीशन, अब पढ़ते हैं ट्रायंगल के अलावा ये वाली कंडीशन क्वाड्रिलेटरल पे भी आती है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज पर, देखो वहां किस तरह से आती है। हमने कहा हमारे पास सपोज करो ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसके कोऑर्डिनेट x4 y4, चार साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, पहले आप ये दिमाग लड़ाओ, चार साइड्स का है, हो सकता है वो आपसे पूछने लगे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब हिंदी में आप कहते हो आयत, तो बताओ क्या कंडीशन है। हो सकता है रेक्टेंगल के अलावा वो आपसे कह दे पैरेललोग्राम है, That means हिंदी में आप बोलेंगे इसे समांतर चतुर्भुज, तो क्या कंडीशन होगी, चलो जी देखेंगे इसके लिए भी। या हो सकता है वो आपसे कह दे कि आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या कहते हो आप लोग बच्चे, वर्ग। या लास्ट में वो कह सकता है आपसे रॉम्बस है, रॉम्बस का मतलब समचतुर्भुज। बस यही चार केस होते हैं जिन पर आपका क्वेश्चन बनता है। तो अब कंडीशंस को ध्यान रखना, हम इकट्ठा लिखा रहे हैं। जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये नाइन्थ क्लास का पार्ट है, बट आपके एक्स ग्रुप में क्वेश्चन आता है और हर ईयर के पेपर में आया, हर शिफ्ट में, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स हो आप चेक करना। रेक्टेंगल में होता क्या है, यहां देखो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती है रेक्टेंगल में, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, वो तो फिर पैरेललोग्राम में भी होती है समांतर चतुर्भुज में, फिर अंतर क्या है, यानी आमने सामने की साइड्स रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों में, लेकिन कुछ तो अंतर होगा, वो कुछ तो अंतर है डायगोनल्स विकर्णों का, किसका, डायगोनल्स विकर्णों का। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यहां लिख देते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और साथ में जो डायगोनल्स हैं विकर्ण हैं वो इक्वल होते हैं आयत के अंदर, जबकि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में ओनली सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और कोई चीज इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है वर्ग और समचतुर्भुज की, स्क्वायर की और रॉम्बस की, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, चारों की चारों साइड स्क्वायर के अंदर लिख देते हैं यहां पे ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। भाई ये काम तो आपका क्या कहते हैं समचतुर्भुज में भी होता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, फिर क्या फर्क है, आर इक्वल किसका फर्क, डायगोनल का, डायगोनल मतलब विकर्णों का, समचतुर्भुज के विकर्ण
रॉम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसके अलावा इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण वो कैसे होते हैं, इक्वल। सो इस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं ताकि आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सके। दोबारा से बताते हैं, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स डायगोनल इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ सम्मुख भुजाएं समान होंगी, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होंगी, विकर्ण समान होंगे, जबकि रॉम्बस समचतुर्भुज के अंदर सिर्फ और सिर्फ चारों भुजाएं समान होंगी। मतलब ये फाइनेस्ट कलेक्शन आपके पास बनेगा अगर आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताई और उन पर बेस्ड आपको ये कंसेप्ट्स मैंने बताए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम लोग जब प्लस पर आएंगे तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस कर रहे हैं हम लोग आपके कंसेप्ट क्लैरिटी, बिकॉज कंसेप्ट जितना स्ट्रांग होगा क्वेश्चन उतनी जल्दी होगा, और यही कंपटीशन को निकालने का स्पिरिट है। लेकिन आजकल का बच्चा गलती क्या करता है, कंसेप्ट पढ़ने नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। भैया अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस पर बेस तो 20-25 क्वेश्चन अपने आप बना लोगे, बस डिजिट ही तो चेंज करनी है। तो एक एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए और फिर हम प्लस कोर्सेज में बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा किस तरह से क्वेश्चन आता है, बढ़े क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो जरा क्वेश्चन, इन्होंने हमसे कहा, क्वेश्चन हमसे कहा कि ए -4 -1, बी के निर्देशांक किसने दिए -2 -4, सी के निर्देशांक किसने दिए 4 0, और डी के निर्देशांक किसने मुझे दिए 2 3, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये बताओ आर वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब किसके शीर्ष है, पहला किसी वर्ग के शीर्ष है, दूसरा किसी रेक्टेंगल के शीर्ष है, तीसरा किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, या चौथा किसी सम चतुर्भुज के शीर्ष है। करना सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा था, साइड्स निकालो, साइड्स का मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये तो एटलीस्ट निकालनी ही पड़ेंगी, हाँ या ना। चलो ए बी निकालोगे, अंडर रूट ए बी, x2 - x1 का होल स्क्वायर 4, y2 - y1 का होल स्क्वायर 9, √13। बी सी निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास √52। सी डी निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर 4, y2 - y1 का होल स्क्वायर 9, √13। और डी ए निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर 36, y2 - y1 का होल स्क्वायर 52। यानी ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ना तो स्क्वायर होगा ना रॉम्बस होगा, इन दोनों में से बचा। अब क्या निकालो, डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब ए सी और बी डी। क्या निकालोगे बच्चे, डायगोनल्स विकर्ण, कौन से, एसी और बीडी। चलो एसी निकालो, ए भी दिख रहा है सी भी दिख रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, y2 - y1 का होल स्क्वायर √65। बीडी भी आपको दिख रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर 16 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 49। सो ये कितना आ जाएगा 65, यानी डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। इक्वल डायगोनल्स किसमें होते हैं, रेक्टेंगल में, किसमें, रेक्टेंगल में। इज दैट क्लियर। तो मतलब यही पैटर्न होता है आपके यहाँ एग्जाम में आने का क्वेश्चंस को। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ जाते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अभी हमने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पढ़ी, उन पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब बात आती है हमारे पास कि अगर हमें कोई एक त्रिभुज दे दिया, कोई एक त्रिभुज दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, यहां पर x2 y2 दे दिए, और इधर हमें x3 y3 दे दिया, और हमसे कहा कि भैया इसका एरिया
क्षेत्रफल बताइए कितना होगा. सो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 एक डिटर्मिनेंट जो कि आपको आती है बनानी है ना, सॉल्व करनी आती है. पहले में x वाले निर्देशांक लिख लो x1 x2 x3, दूसरे में y वाले लिख लो y1 y2 y3 और फिर 1 1 1. ये इसका एरिया क्षेत्रफल होता है जो आप सभी लोगों को याद होगा. कुछ किताबों में इसको सॉल्व करके दे देते हैं इसकी वैल्यू, आप चाहें तो उसे याद कर सकते हैं. थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, 1/2 एक्सपेंड कर दो यहाँ पर. सो x1 से शुरू होगा y2 माइनस y3 प्लस का x2, y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2. डेफिनेटली मतलब कोई भी ईयर उठा लो यार, मतलब ये वो कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं. ऐसा कोई एग्जाम जाता ही नहीं है एयरफोर्स का कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं. अगर एक दिन में 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन आना है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बाकी आप उस एक्सपीरियंस को क्रॉस चेक करिए. कैसे? प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखकर या मॉक टेस्ट पेपर देखकर. बहुत हैं आजकल लाइव कराने वाले. नेक्स्ट आता है इसके बाद, अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे दे ABCD, उसने कहा इसका x1 y1 है कोऑर्डिनेट, इसका x2 y2 है कोऑर्डिनेट, इसका x3 y3 है कोऑर्डिनेट और इसका x4 y4 है कोऑर्डिनेट, ठीक है, और कह रहा है इसका एरिया बताओ. अब इसका एरिया निकालने के लिए दो तरीके होते हैं. पहला तरीका जो किताब में दिया जाता है, उसमें क्या कहता है कि वो कहता है किसी भी एक डायगोनल विकर्ण को मिला दो. ट्रायंगल का एरिया अभी तुमने पढ़ा, इसका एरिया निकाल दो और इधर का एरिया निकल जाएगा. यानी एरिया ऑफ, अगर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है सो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ले लो ABC और प्लस कर दो उसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. आ तो जाएगा, लंबा पड़ेगा, लेकिन कुछ जगह इस कंसेप्ट को भी यूज करते हैं. हम चाहते हैं थोड़ा फास्टली जाएं, जल्दी जाएं, तो दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं. देखो, कभी भी आपको एरिया निकालना है हमेशा याद रखना क्वाड्रिलेटरल के लिए 1/2 बाहर लिखना, 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बनाना. डायगनल्स विकर्णों के निर्देशांकों का अंतर, डायगनल्स यानी विकर्णों के निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स का अंतर. डायगनल ये है x1 x3 दिख रहा है, x1 माइनस x3. दूसरा डायगनल BD का विकर्ण यानी x3 x2 माइनस x4. ऐसे ही y उठा लो, y1 जगह चाहिए थोड़ा सा है ना, y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4 क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी. तो इस लंबे मेथड को मत लगाना, अगर बहुत जरूरी ना हो आप इससे जाना छोटे वाले से. प्लस द एंड, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी भी माइनस नहीं होता. अगर किसी क्वेश्चन में माइनस आ रहा है सॉल्व करने पर तो उस माइनस के साइन को नेग्लेक्ट कर देना. क्या कर देना उस माइनस के साइन को? नेग्लेक्ट. ठीक है, तो आ जाओ अब इन क्वेश्चंस पर, इन कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. देखो देखो जरा, हमारे पास क्वेश्चन आया, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष उसने हमें दे दिए, क्या क्या दिए, A दे दिया AB+C, बी दे दिया हमें BC+A और हमको सी दे दिया कितना, CA+B. तो आपसे कह रहा है क्या कि इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, ये क्वेश्चन है. अब सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है, तो अब थोड़ी है सोचना, सीधे फॉर्मूला लगाओ भाई. क्या बताया था एरिया के लिए, बाहर 1/2, x वाले निर्देशांक क्या दिख रहे हैं, पहले में a दूसरे में b तीसरे में c, y वाले निर्देशांक पहले में b+c दूसरे में c+a तीसरे में a+b और 1 1 1. सारणिक खोलनी तुम्हें आती है, या तो डायरेक्टली खोलो नहीं तो प्रॉपर्टी लगा दो. क्या लगाओगे प्रॉपर्टी, देखो
आपने कहा C1 और C2 को जोड़ के लिख दो C1 के अंदर, तो तुम बोलोगे यहां से 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 1 1, सॉरी यहां पर बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी एज इट इज 1 1 1। अब इधर से जब तुम ये कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 1 1, दो कॉलम सेम है तो आंसर क्या होगा, 0, यानी इनसे बनने वाला ट्राइंगल त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल 0 है, ये त्रिभुज नहीं बना रहे। अगर त्रिभुज नहीं बना रहे तो इसका मतलब एक लाइन में है, क्योंकि अगर ये तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होते तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनता, निश्चित रूप से त्रिभुज बनता, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है यानी ये त्रिभुज नहीं बना रहे, ये एक लाइन में है। और जब भी कुछ पॉइंट्स एक लाइन में हो जाते हैं तो हमारा अगला कंसेप्ट उठकर आ जाता है, कौन सा अगला कंसेप्ट आ जाता है, संरेखीय बिंदु। कौन सा आ जाता है, संरेखीय बिंदु, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चे, कोलीनियर पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन में, एक ही लाइन में होने वाले पॉइंट्स संरेखीय कहलाते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसके क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्या होता है, इसके क्वेश्चन को करने का तरीका है, जब भी वो कहेगा तीन बिंदु को लीनियर है, संरेखीय है, तो या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 रख देना, जैसे तुमने अभी ऊपर सॉल्व करा है, या दूसरा तरीका किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसके इक्वल होगी, बीच में पड़ रहा है ना, तो ए बी प्लस बी सी, आप इनको लगाएंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करा देते हैं एक इस पर बेस्ड भी, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को करते जा रहे हैं ताकि हमारी कमांड बनती चली जाए और हम फिर जब प्रैक्टिस करने बैठे तो बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन, इसने कहा एक पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक 6 9, दूसरा पॉइंट बी है जिसके निर्देशांक 0 1 है, और तीसरा पॉइंट है सी -6 k। वो कहता है कैसे हैं ये पॉइंट्स, कोलीनियर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि देन वैल्यू बताओ k की कितनी होगी। भाई साहब इससे भी मुश्किल क्वेश्चन कोई हुए, मतलब मुश्किल इन द सेंस कि हो ही नहीं सकता कोई बच्चा इसे छोड़ दे अगर एक्स ग्रुप में ये आ रहा है। कोलीनियर संरेखीय दिए हैं तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 एक्स वाले 6 0 -6, वाई वाले 9 1 k, और कांस्टेंट टर्म 1 1 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना तुम्हें आता है, पहले कॉलम पे कर दो, 6 लाइन गया इधर से तो 1 -k, अगला 0 है माइनस का 6, 6 पर लाइन गया तो 9 -1 कितना होगा 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 6k या 6 तो कॉमन दिख रहा है, उधर ही भेज दो, है ना, क्यों हम फालतू में लिखें। क्या बचेगा, 1 -k - 8 इज इक्वल्स टू 0 या k इज इक्वल्स टू माइनस का 7। क्या हो जाएगा बच्चे आंसर, k इज इक्वल्स टू माइनस का 7। अगर किसी को किसी भी तरह का दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो सिलेबस आपका स्टार्ट किया है, हमने ये इस पर्पस से उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो अगला एयरफोर्स एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, बट पहले वाला पेपर पोस्टपोन हो चुका है, तो माइट भी अगले वाले पेपर में ये इतना समय ना दें, तुरंत फॉर्म निकालें, तुरंत एग्जाम कर दें। तो हम लोग क्रक्स में जा रहे हैं, स्पीडली जा रहे हैं और आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आ जाते हैं इसी पर ताकि हम लोग बढ़ सकें आसानी से। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा अब की बार हमारे पास क्वेश्चन आया एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए ए 0, दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स इसने दिए ए t1 square 2a t1, और अगला पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स ए t2 square 2a t2, ये तीन इसने मुझे दे रखे हैं।
कहता है कि ये तीनों जो हैं कोलीनियर हैं। कैसे हैं बच्चे? ये कोलीनियर हैं, संरेखीय हैं। तो बताओ कि T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी? कुछ मत करो, वही काम करो जो हम करते आ रहे हैं, सॉल्यूशन। एरिया ट्रायंगल का कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि कोलीनियर है। तो 1/2 जो बाहर लिखा उसे लिखो या मत लिखो, राइट साइड में 0 जाएगा। डिटरमिनेंट बनेगा पहला x1, x2 और x3, अगला y1, y2 और अगला y3, लास्ट में 111 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें दिखा पहले से a कॉमन, दूसरे से 2a कॉमन, तो 2a स्क्वायर, बट राइट साइड में 0 है तो 0 बना दो। सिर्फ क्या बचा वो लिखो, 1 t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, यहां पर 0 t1 t2, यहां पर 111। एक्सपेंड करना, प्रसारित करना तुम्हें आता है, कर दो पहली पंक्ति फर्स्ट रो पे। सो t1 माइनस t2 वो 0 है, आगे 1 t1 स्क्वायर t2 माइनस का t2 स्क्वायर t1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से तुम्हें दिख रहा है t1 माइनस t2 है, इधर से अगर t1 t2 कॉमन ले लें सो t1 माइनस t2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। और इसको अगर और आगे सॉल्व किया जाए सो t1 माइनस t2 भी कॉमन, 1 + t1 t2 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो निश्चित तौर पर एक तो 0 हो गई होगा कोई ना कोई, ठीक है ना, कोई ना कोई 0 होगा। तो हमें तो t1 t2 चाहिए, यानी इसको 0 रखोगे सो t1 t2 - 1 आंसर। तो इतना कराने के बाद मुझे नहीं लगता अगर एग्जाम में इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप उसको स्किप करेंगे, अगर स्किप कर रहे हो तो भैया ना तो आप फिर एलिजिबल हो पढ़ने के लिए और ना मैं पढ़ाने के लिए। रीज़न कि इतने सिंपल सिंपल कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं, यूजुअली ये पढ़े हुए कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है देखो जरा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं किस चीज का, एमएन सेक्शन फॉर्मूले, एमएन सेक्शन फॉर्मूले। क्या है ये फॉर्मूले? ले क्योंकि बहुत सारे हैं ना, हमने कहा सपोज एक पॉइंट है कोई भी मान लो जिसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा पॉइंट एक दे दिया जिसके निर्देशांक x2 y2 हैं, और कोई एक पॉइंट हमने P ले लिया जो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा पर पड़ता है इस तरह से कि वो m अनुपात n, m रेशो n में अंतः विभाजित करता है। क्या बोल रहे हैं? अंतः। क्यों? क्योंकि बीच में पड़ रहा है अंतः, इंटरनल डिविजन। याद रखना अगर मैं इंग्लिश लिख रही हूं तो बोल हिंदी रही हूं, ठीक है, इंटरनल डिविजन, अंतः विभाजित करता है। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से, सिर्फ इंटरनल ही लिख दें तो काम चल जाएगा, इंटरनल स्पेस चाहिए ना। तो देखो इस पॉइंट पी के निर्देशांक क्या होंगे, जो इधर वाला है इसे तो इसके साथ लेना, क्रॉस में जाते हैं और इसको इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा, एम एक्स टू अंतः विभाजित कर रहा है तो प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और ऐसे ही वाई, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है भैया। बात कब है ये? अगर वो अंतः विभाजित कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए देखो जरा, कि आपके पास एक पॉइंट इधर था x1 y1, एक पॉइंट इधर था x2 y2, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को जब आगे की ओर बढ़ाया तो इस पर ये पॉइंट P था जो इसको m रेशो n में, m रेशो n में लिख देते हैं यहां पर, एक्सटर्नल कर रहा था। इस बार एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाह्य विभाजन कर रहा है। तो पॉइंट पी के निर्देशांक बताओ,
एम रेशो एन कह रहा है ना, तो ध्यान रखना पहले पॉइंट से एम है दूरी और दूसरे पॉइंट से एन है, क्रॉस में जाना है ना, पहले पॉइंट से एम, तो एम को इधर वाले के साथ लोगे, यानी एम एक्स टू माइनस करोगे वाई ए में अपॉन एम माइनस एन, और वाई में एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है बच्चे पार्टी, तो ये आपके पास एक रिजल्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, बुक्स में दिया रहता है, आप चाहें नोट करना नोट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है क्रॉस में जाना है और अंतह वाले में प्लस आना है, वाहिये वाले में माइनस आना है। और इसी से एक रिजल्ट और निकल के आया, देखो जरा क्या रिजल्ट है अगला, अगर हम मार्कर चेंज कर लें थोड़ा सा। हमने कहा कोई एक पॉइंट ये x1 y1 है, यहां दूसरा पॉइंट x2 y2 है, और इनका ये एग्जैक्टली मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये 1:1 में बांटेगा, अंतः विभाजित हो रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 को लिखो या मत लिखो, x1 plus x2 upon me 2, y1 plus y2 upon me 2। ठीक है भैया, सो मध्य बिंदु के निर्देशांक भी याद होने चाहिए, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon me 2। क्लियर? अब बात आती है कि मैडम ये तो समझ में आ गया, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है अगर हम बनाने लगे। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं नाइन्थ क्लास के कंसेप्ट का यूज करते हुए। क्या है क्वेश्चन देखो जरा, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं कौन कौन सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु दे रखे हैं इन्होंने, क्या दे रखे हैं क्रमशः, कितने दे रखे हैं क्रमशः देखो जरा, 4, 2 व 3, 3 है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो आपसे कह रहा है कि भुजा BC की लंबाई बताइए कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करें, हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC, इसमें कहा ए बी का मध्य बिंदु 4, 2 है, यहां कहा इसका मध्य बिंदु 3, 3, तो पूछ रहा है बी सी की लंबाई क्या होगी। अब जिस बच्चे को नाइन्थ क्लास का वो एक छोटा सा नन्ना सा कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, वो दिमाग लड़ाता रह जाएगा। उसने दो साइड्स के मिड पॉइंट यानी ये पार्ट इक्वल की मध्य बिंदु दे रखे हैं और उसकी सम्मुख भुजा पूछ रहा है, तो नाइन्थ या टेंथ क्लास में पढ़ी थी एक थ्योरम, किसी भी ट्राइंगल में त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल समांतर और उसकी आधी होती है, यानी द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ इन लेंथ। अगर मैं इसका नाम पी क्यू रख रही हूं तो रिजल्ट है कि पी क्यू पैरेलल होगी बी सी के, और साथ में पी क्यू जो है वो बी सी की आधी है, तो कहीं ना कहीं हमें बी सी निकालनी है, दुगनी है पी क्यू की। पी क्यू जब दोनों दे रखे हैं तो बीच की दूरी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर कितना, ट्वाइस अंडर रूट 1 + 1, तो कितने आ गई लेंथ 2√2, कितने आ गई लेंथ बेटा 2√2। क्वेश्चन खत्म, हाँ या ना, सिंपल सा एक कंसेप्ट था। ठीक है, मध्य बिंदु पर अब बात आती है, इन्हीं मध्य बिंदुओं से मिलकर और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या है और बातें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रही हूं, एक्स ग्रुप में बहुत बार आता है। एक कोई ये पैरेललोग्राम दे दिया समांतर चतुर्भुज जिसके निर्देशांक एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री और एक्स फोर वाई फोर है।
क्या दे रखा है ये तुम्हें? पैरेललोग्राम दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखना आप, ठीक है? समांतर चतुर्भुज जब भी दिया जाता है तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि जो उसके विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर दोनों डायगोनल्स विकर्णों को मिला दो और ये पॉइंट P पर काट रहे हैं, तो कंसेप्ट ये कहता है कि मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ पहला डायगोनल AC बराबर होगा किसके, मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट दूसरा डायगोनल BD। और मिड पॉइंट निकालने का तुम्हें पता ही है कंसेप्ट, कैसे निकालते हैं कंसेप्ट देखो जरा। AC क्या करोगे, X1 प्लस X3 अपॉन में 2, Y1 प्लस Y3 अपॉन में 2। यहां से ये शॉर्ट ट्रिक बनेगी। BD के लिए बात करोगे तो X2 प्लस X4 अपॉन में 2, Y2 प्लस Y4 अपॉन में 2। अब अगर इन दोनों की तुलना करते हो, कंपैरिजन करते हो, 2 से 2 हट गया, यानी X1 प्लस X3 इज इक्वल टू X2 प्लस X4 एंड Y1 प्लस Y3 इज इक्वल्स टू Y2 प्लस Y4। थोड़ा सा और इसको आप लोग मैनेज करिएगा। सो और मैनेज करने पर क्या होगा आपके पास, X1 इज इक्वल्स टू X2 प्लस X4 माइनस X3 एंड Y1 इज इक्वल्स टू Y2 प्लस का Y4 माइनस का Y3। सो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक आ गया। क्या गया आपका ये एक शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक समझो जरा। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि कभी भी किसी समांतर चतुर्भुज के अगर 4 में से 3 सिरे वो दे रहा है, 3 निर्देशांक दे रहा है, चौथा पूछ रहा है, तो जो चौथा वो पूछ रहा है, जैसे यहां X1 पूछ रहा है, तो जो उसके सम्मुख है उसको माइनस करना है और जो विकर्ण बचे उन्हें जोड़ना है। दैट इज द सिंपल। क्या कहा आपसे, जो वो पूछ रहा है शीर्ष उसके सम्मुख वाला अपोजिट वाला माइनस करना है और जो दूसरा डायगोनल रह गया विकर्ण उनको आपको जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लीजिए अब किस तरह से बनेगा। अब मजा आना चाहिए ना क्वेश्चन पे जब हमने कंसेप्ट करा दिया। तो देखो जरा क्वेश्चन, ये कहता है क्वेश्चन कि किसी एक समांतर चतुर्भुज, शॉर्ट में लिख देते हैं पैरेललोग्राम, PQRS के शीर्ष, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के शीर्ष क्या क्या दे दिए इसने हमें। इसने हमें P दे रखा है कितना, 1, 2। Q दे रखा है हमें 4, 6। R दे रखा है इसने हमें 5, 7, ठीक है। और S इसने हमें दे रखा है कितना, AB। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये AB कितना होगा। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता कर तो वो भी लेंगे लेकिन समय ज्यादा लगाएंगे, हमें डायरेक्टली करना है। देखो जगह PQRS कहीं से भी लिख लो एक सिस्टम में। S पूछ रहा है तो S का अपोजिट Q माइनस होगा बाकी जुड़ेगा, यानी A S का अपोजिट Q माइनस होगा बाकी जुड़ेंगे, तो 1 + 5 - 4। और B कितना भैया, इसी तरह से 2 + 7 - 6, यानी 2 और इधर 3। आंसर क्या है, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3। कितना सिंपल सा खत्म हो गया। बच्चा परेशान रहता है कैसे करें क्या करें, तो वही कंसेप्ट से आया है। अब चाहे तो लंबा लगा लो चाहे आप शॉर्ट में कर लो। सही है बात, समझ में आया, बोलो फटाफट से हाँ या ना। चलो अब इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना देते हैं। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा टफ देखो जरा। थोड़ा सा टफ बनाते हैं, एक मिनट रुकिएगा बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम जो टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर किसी पैरेललोग्राम,
अगर किसी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब शीर्ष, क्या दे रखे हैं, ए 1 2 पहला शीर्ष, दूसरा इसने दे दिया बी कितना 4y, तीसरा इसने दे दिया सी कितना दे दिया हमें सी एक्स 6, और चौथा हमें डी दे दिया, कितना दे दिया हमें डी 3 5 है। तो हमसे पूछ रहा है ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बताओ कितना होगा। हमने देखा कि भैया ए सी तो निकल जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन पहले निर्देशांक तो सही से पता चल जाए। डायग्राम बनाओ जरा साइड में कोई एक छोटा सा, नाम दे दो ए बी सी डी, ए के निर्देशांक 1 2, बी के कितने दे दिए 4y, सी के कितने दे दिए एक्स 6, डी के कितने दे दिए 3 5, हाँ या ना। तो तुम्हें सबसे पहले x निकालना है, x की वैल्यू अपोजिट वाला माइनस होगा यानी 1 माइनस, बाकी जुड़ेंगे तो 3 प्लस 4 माइनस 1 कितना आ गया 6। y निकालना है, y इधर है, y के सामने वाला तो माइनस होगा, बाकी के जुड़ जाएंगे 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास ये 3, काम खत्म भाई। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, क्या पूछ रहा है तुमसे, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अंडर रूट, स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट नहीं आएगा, ए सी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, माइनस कर दो बी डी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, करो जरा सॉल्व, 25 प्लस का 16 माइनस का 1 माइनस का 4, सो 25 प्लस का 11 कितना आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चे, 36 आंसर। कंसेप्ट वही था लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है ना, बट फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या YouTube चैनल पे चले जाना, द ट्यूटर्स एकेडमी मेरा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नोट करना है नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा आगे के लिए। अब आगे इसी तरह से एक क्वेश्चन जो बहुत ही फेवरेट है एक्स ग्रुप वालों का, फेवरेट क्यों, क्योंकि जब भी पेपर होता है हमेशा सेट होता है वो क्वेश्चन, किस तरह से है क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए, क्या दे रखा है इसने शीर्ष ए माइनस 1 3 है, बी शीर्ष इसने मुझे दे रखा है कितना 1 माइनस 1 है, और सी इसने मुझे दे रखा है लास्ट में कितना है सी शीर्ष 5 1 है। तो आपसे पूछ रहा है माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन ए डी की लंबाई कितनी होगी। सुनो जरा आप ध्यान से क्वेश्चन में, उसने एक त्रिभुज दिया बना लो साइड में, इस त्रिभुज का ए माइनस 1 3 दे दिया, इस त्रिभुज का बी 1 माइनस 1 दे दिया, इस त्रिभुज का सी निर्देशांक 5 और 1 दे दिया। माध्यिका ए डी, ए से डी यानी डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का मिड पॉइंट, अभी तो बताया था कैसे निकलेगा, एक्स 1 प्लस X2 बाई 2 एक प्लस 5 बटे 2, और ऐसे ही y वाले कर दो -1 प्लस 1 अपॉन 2, इसका मतलब d कितना आ गया बेटा 3 और 0, और a तुम्हारे पास है ही, तुमसे बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ad बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5 आंसर, ठीक है। तो ये भी एक पेट क्वेश्चन है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं आज इस पर, देखो जरा आप नेक्स्ट पार्ट, अगेन नेक्स्ट पार्ट वो जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है,
लेकिन मैंने बिल्कुल उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है, एक साथ पूरा कलेक्शन, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देखना जरा किस तरह से, बस एक मिनट, ये स्क्रीन आगे जा रही है या नहीं देखना है। चलो क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। मतलब यकीन मानना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं ले रही हूं। हमने कहा ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है ए बी सी, जिसके अंदर इसने ए शीर्ष के निर्देशांक एक्स वन वाई वन दे दिए, बी के निर्देशांक किसने एक्स टू वाई टू दे दिए, सी के निर्देशांक किसने एक्स थ्री वाई थ्री दे दिए। इसके अंदर ये कुछ कुछ हमसे चीजें पूछेगा, निर्देशांक ही पूछता है कुछ कुछ में, जिसमें सबसे पहला वो आपसे पूछेगा सेंट्रॉइड। क्या पूछेगा? सेंट्रॉइड यानी केंद्रक क्या होगा। सबसे पहले आपको केंद्रक के बारे में पता होना चाहिए, किसे कहते हैं केंद्रक। जो होता है मीडियंस, मीडियंस मतलब जो आपकी माध्यिकाएं होती हैं, तीन माध्यिकाएं होती है ना त्रिभुज के अंदर, माध्यिकाओं मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या होता है? माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु, और इसको हम दिखाते हैं जी से। करने के लिए तो कोई भी सिंबल ले सकते हो, बट यूजुअली किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जी का। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस पर आता है कई बार। क्या? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में थ्री, ये इसका निर्देशांक है। और इसका एक मेमोरेबल पॉइंट जो याद रखना है, जिस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं आर पी, इसको ऐसी सी शेप में बना देते हैं, शेप थोड़ी गलत बन गई ना, ऐसी सी शेप में, ताकि आप लोग याद रखें। लो एरो भी चला देते हैं, याद रखना है ये तुम्हें रिमेंबर पॉइंट है। क्या है रिमेंबर पॉइंट? किसी भी ट्रायंगल त्रिभुज के मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदुओं को मिलाकर, मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, का सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब इसको लिख लो एबीसी, ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड केंद्रक एक ही होता है। कैसा होता है? एक ही होता है। ये आपका बहुत समय बचाएगा। यूजुअली ये हर किताब में दिया होता है, हर कोई पढ़ाता भी है, लेकिन जो ये नीचे मैंने लाइन लिखी है, ये बहुत कम लोग होंगे जो आपको बताएंगे, क्वेश्चंस में बता देंगे, लेकिन हमने यहां इसे रिजल्ट बना दिया है कि किसी भी त्रिभुज में अगर मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई एक ट्राइंगल बना रहे हो, तो जो इसका सेंट्रॉइड है और जो एक्चुअल का सेंट्रॉइड है, वो एक ही जगह पर पड़ेगा, हमेशा कंसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखो जरा किस तरह से इस पर क्वेश्चन आपके यहां पर बनता है। आ जाओ क्वेश्चन पे, देखना फटाफट से पहला क्वेश्चन इस पर। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, साइड ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु इसने हमें दे रखे हैं। क्या क्या हैं मध्य बिंदु? देखो जरा, चार दो तीन तीन कॉमा, अगला इसने दे दिया दो दो है। तो त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड बताओ क्या होगा। अब सबसे पहले देखो ट्रेडिशनल मेथड, यूजुअली बच्चा कैसे करता है या टीचर्स कैसे कराते हैं जब समझाना होता है कंसेप्ट, हमें भी, हम भी वही कराते हैं कि पहला ए बी सी का मिड पॉइंट चार दो, बी सी का मिड पॉइंट तीन तीन, और इसका मिड पॉइंट दो दो। मान लेते हैं कि ये एक्स वन प्लस एक्स, सॉरी, मान लिया ए के निर्देशांक
एक्स वन वाई वन है, बी के निर्देशांक एक्स टू वाई टू है और सी के निर्देशांक एक्स थ्री वाई थ्री है। वो हमसे सेंट्रॉइड पूछ रहा है, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में थ्री, और इसी तरह से हमसे क्या जानना चाह रहा है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में थ्री, क्योंकि यही तो अभी हमने बताया पीछे, देखो जरा फॉर्मूला यही था। चलो अब अगर हमें किसी तरह से x1, x2, x by 3 पता चल जाए तो काम खत्म। भैया ये मिड पॉइंट दिया है तो क्या यहां से x1 plus x2 upon 2 is equals to 4, x2 plus x3 bc के लिए लोगे upon 2 is equals to 3 और x3 plus x1 upon में 2 is equals to 2 ac के लिए। इधर से x1 plus x2 plus x sorry एक्स वन प्लस का एक्स टू इज इक्वल टू चार दुनी आठ, यहां से एक्स वन प्लस एक्स थ्री तीन दुनी छः और यहां से एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन ये एक्स टू है, दो दुनी चार, इनको जोड़ दो तीनों को, क्या कर दो इन तीनों को जोड़ दो, तो दुगना x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 4 18, ये कट गया 9, यहाँ पर वैल्यू रख दो 9/3 3 आ जाएगा। ऐसे ही y निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम क्यों इतने लंबे पर जा रहे हैं, हमने जब आपको ये लाइन बताई तो इस लाइन का यूज करो ना, कि किसी भी ट्रायंगल त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बना रहे हो उसका सेंट्रोइड और ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रोइड केंद्रक एक ही होता है। यानी इस क्वेश्चन में जब उसने हमें कहा कि मिड पॉइंट्स ये है 4 2 3 3 और 2 2, तो क्यों लंबे मेथड पे जा रहे हो, सीधे इनका सेंट्रोइड निकालो, 4 + 3 + 2/3 और अगला 2 + 3 + 2/3, तो ये हो गया 9/3 यानी 3 और ये हो गया 7/3 आंसर। क्वेश्चन खत्म, क्या है आंसर, 3 और 7/3, कुछ भी लंबा नहीं जाना। मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताया कैसे करोगे और फिर मैंने आपको शॉर्ट बता दिया। यही खासियत होती है हमारे पढ़ने या पढ़ाने में कि हम कंसेप्ट को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड। अब इसमें आगे बात आती है हमारी नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसके अंदर इन सेंटर। क्या है हमारा इन सेंटर, देखना जरा, जिसको आप लोग कहते हो इन सेंटर को अंतः केंद्र, ये होता क्या है पहले इसे समझना। इन सेंटर होता है कि आपके पास कोई एक त्रिभुज था और उस त्रिभुज के अंदर आपने ये कोणों का समद्विभाजक लिए, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स लिए, जहां पर काटा वहां से अपोजिट पर परपेंडिकुलर और रेडियस मानकर एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, त्रिभुज की तीनों साइड्स को टच करके जा रहा है, हाँ या ना, इसलिए इसको इन सर्कल अंतः वृत्त कहते हैं और इसका जो ये सेंटर है इसको अंतः केंद्र आई कहते हैं। तो अगर ये ए शीर्ष के सम्मुख भुजाए, बी के सामने वाली साइड बी, सी की अपोजिट साइड सी, ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन है, बी के निर्देशांक एक्स टू वाई टू है और सी के निर्देशांक एक्स थ्री वाई थ्री है, तो आपका जो ये निकल कर आता है इन सेंटर अंतः केंद्र जिसे आई कह रहे हो, ये कैसे निकलता है देखो जरा, ये निकलता है आपका जब सम्मुख भुजा ए ले रहे हो तो इसका सम्मुख शेष एक्स वन, बी लोगे तो सम्मुख एक्स टू, सी लोगे तो सम्मुख एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही वाई ले लो, अब ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन में कितना ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल सी बात है, इस पर कोई पॉइंट नहीं है जो तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ किस तरह से आएगा, देखो जरा।
इन सेंटर अंतः केंद्र का क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। लंबा पड़ेगा, हम चाहते हैं शॉर्ट में जाएं। चलो एक क्वेश्चन अलग से कराएंगे इसे, ठीक है? फिलहाल ये ध्यान रखो आप, ठीक है भाई? आगे बात आ जाती है इसमें आपकी, अंतः केंद्र के बाद अगला आता है आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, नाम से पता चल रहा है लंबों का केंद्र, लंबों का कटान बिंदु। तो अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर कोई एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और उस त्रिभुज के अंदर सम्मुख भुजा से किसी भी वर्टेक्स से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींच रहे हो परपेंडिकुलर, वो जहां काटते हैं उन्हें अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेचारे? दोबारा से बोल देते हैं, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द आल्टीट्यूड्स इन अ ट्रायंगल। लिख देते हैं आल्टीट्यूड्स, आल्टीट्यूड्स जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो लंबो, शीर्ष से का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है? अब जब भी ये इसको निकालने के लिए कहेगा, वैसे तो ये बहुत कम, वेरी रेयर कभी कह रहा है, बट इन एनी केस कह रहा है तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, वही वर्टेक्स हमने ले लिया ए का एक्स वन वाई वन, बी का हमने ले लिया एक्स टू वाई टू, सी का हमने ले लिया एक्स थ्री वाई थ्री। आज पूरा कार्टेशियन सिस्टम निपटाएंगे, है ना? मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि फालतू की बकवास कुछ होनी नहीं है, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स वाले हो चल रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र ए, आप एक्स वन जब ले रहे हो एक्स वन, तो वही वाला शीर्ष आप लोगे। क्या है वही वाला शीर्ष आपका? ए। एक्स वन टेन ए प्लस का एक्स टू टेन बी प्लस का एक्स थ्री टेन सी अपॉन में एक्स वन, सॉरी एंगल्स 10a प्लस का 10b प्लस का 10c, ये एक्स निर्देशांक आ गया। और इसी तरह से इसके अंदर वाई निर्देशांक, यानी वाई वन टेन ए प्लस वाई टू टेन बी प्लस वाई थ्री टेन सी अपॉन में 10a प्लस का 10b प्लस का 10c। अब ये इतना लंबा फॉर्मूला लिख तो दिया क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता इस पर। क्वेश्चन आता है इसके एक रिजल्ट पर। क्या है वो रिजल्ट, उसको समझना। रिजल्ट ये है कि हमने कहा एक समकोण त्रिभुज ले लो, ले लिया ए बी सी। भैया इस शीर्ष से लंब यही तो है और इस शीर्ष से लंब यही है, जब दोनों यहां पर काट रहे हैं तो पक्की बात है तीसरा भी यहीं पर आएगा, यानी यही क्या होगा, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर होगा। तो रिजल्ट पर क्वेश्चन आते हैं। क्या है रिजल्ट, ध्यान से देखो कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल्ड वर्टेक्स होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है। बस इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है। कैसे आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो। उसने कहा किसी ट्राइंगल का एक वर्टेक्स जीरो जीरो है, दूसरा वर्टेक्स छह जीरो है और तीसरा वर्टेक्स आठ जीरो है, तो ऑर्थो सेंटर बताओ। तुमने बनाए सीधे सीधे क्या एक्सिस, तुमने कहा जीरो जीरो तो ये है, छह जीरो इधर होगा, जीरो आठ इधर होगा, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आंसर लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। सो इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा। एंड आज का लास्ट पार्ट ट्राइंगल का, सर्कम सेंटर। क्या है आज का लास्ट पार्ट आपका?
सर्कम सेंटर, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, परिवृत्त बोलते हो उसका सेंटर, परिकेंद्र, कि अगर कोई त्रिभुज ऐसा है कैसा कि उसकी तीनों शीर्षों को टच करते हुए कोई सर्कल खींच पा रहे हो, तो उसका जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं, सी, या कुछ भी नाम दे सकते हो, सी दे दो या पी नाम दे दो, अगर ये ए बी सी है तो। इसीलिए इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता निकालने का, जब सर्कम सेंटर है तो इसकी तीनों वर्टिसेस से दूरी समान होगी, ये है ना, तो क्या कर, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो देगा, आपको पी निकालना है, एक्स वाई मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। और अगर इसका क्रक्स लिखूं ये होता क्या है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु होता है किसका, ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, लंब संधि भाजकों का, किसका लंब संधि भाजकों का, ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी लंब संधि भाजक जो आप खींच रहे हो उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। अब बात आती है कि ये लंब संधि भाजक में और ऑल्टीट्यूड में फर्क क्या होता है। बेटा जो लंब संधि भाजक होते हैं वो शीर्ष से होकर जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता, जबकि ऑल्टीट्यूड्स हमेशा शीर्ष से होकर जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर हम ये कोई एक ट्राइंगल ले रहे हैं मान लो इस तरह का, तो इसका ये जो शीर्ष से जा रहा है ये क्या है, अल्टीट्यूड है, क्या है ये आपका, लंब है, लंब का मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब अल्टीट्यूड है। लेकिन अगर हम कहें भुजा का लंब संधि भाजक, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि जरूरी नहीं है शीर्ष से होकर जाएगा, ये इसका डिफरेंस है। तो एक त्रिभुज ट्राइंगल, चारों बातें पहली, सेंट्रोइड केंद्रक, इन सेंटर अंत केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सर्कम सेंटर परिकेंद्र, जिन पर क्वेश्चन मस्ट है आना है। और इस पर कुछ पॉइंट्स के रिजल्ट आते हैं, अभी रिजल्ट्स क्या हैं देखो जरा, क्या है रिजल्ट, दो रिजल्ट्स तो मैंने आपको इनके डेफिनेशंस में ही बता दिए थे, कौन कौन से, पहला बताया किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका केंद्रक ओरिजिनल ट्राइंगल का केंद्रक सेम होता है, दूसरा हमने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है वो राइट एंगल ही होता है। अब कुछ रिजल्ट्स और देखो, क्या है रिजल्ट्स आपके, रिजल्ट्स हैं कि अगर आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसका जो सर्कम सेंटर होगा, जो उसका परिकेंद्र होगा, वो जो हाइपोटेनियस होता है उसका मिड पॉइंट होता है। लैंग्वेज में नहीं लिख रही, मैंने डायग्राम बना दिया, क्या है डायग्राम देख लो, अगर समकोण त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र आपसे पूछेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कम सेंटर आपसे पूछेगा, तो हमेशा चेक करना उसमें हाइपोटेनियस कर्ण क्या है, उसका मिड पॉइंट ही उसका सर्कम सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे कहा फाइंड करो सर्कम सेंटर, परिकेंद्र बताओ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, किसका बताओ, ट्राइंगल ए बी सी का, जहां पर उसने ए कह दिया 0 0 है, बी कह दिया 1 0 है, और सी कह दिया कि 0 1 है। अब लग गए सोच में आप लोग करने में, अबे यार रिजल्ट देखो ना भाई, उसने 0 0 दिया एक वर्टेक्स, ए 0 0 यहां पड़ेगा, दूसरा उसने बी दिया 0 1 0 1 0 तो यहां पड़ेगा, और तीसरा उसने कौन सा दिया हमें, सी, क्या दिया उसने सी हमें, 0 1। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया समकोण त्रिभुज, क्या पूछ रहा है, सर्कम सेंटर,
तो वो तो इसका मिड पॉइंट होगा, 0 + 1/2 = 1/2, 0 + 1/2 = 1/2 आंसर क्या है ये आपका सरकम सेंटर। तो ये आपका तीसरा रिजल्ट, ऐसा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि मैंने खुद यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ा रखा, इस बार वाले सेशन में ये कराऊंगी इस तरह के रिजल्ट्स, पहले बताए हैं लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं करे हैं। तो यू नो कि आपको फ्री में इतनी अच्छी चीज मिल रही है तो यू शुड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और मुझे फॉलो आप चित्रा जीना के नाम से करिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट पर आते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा। एक्चुअल में हंसी इसलिए आ रही है कि मैं क्लासेस लेती हूँ तो मयंक सर, मयंक पराशर सर जो आपका NDGAT कवर करते हैं, वो पीछे से बैठ के मैनेज कर रहे हैं अभी। तो जैसे ही मैं कह रही हूँ नेक्स्ट रिजल्ट, सर उठ चुके हैं 3 बार कि अब क्लास ओवर होगी, अब ओवर होगी, बट लास्ट के 2 रिजल्ट्स हैं उसके बाद ओवर कर देंगे। एक्चुअली जब कोई चीज उठा रहे हैं कार्टिजन सिस्टम तो एक बार में पूरा खत्म कर दो ना, प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो प्लस क्लासेस में हम लोग कर लेंगे, ऐसा ना हो कुछ भी रह जाए। अगला सेशन स्ट्रेट लाइंस का तो एक शॉट में पूरा खत्म, स्ट्रेट लाइन इन वन शॉट, और इस समय कार्टिजन सिस्टम इन वन शॉट, ठीक है। तो चलो, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बात सबको पता है बट फिर भी मैं यहां लिख रही हूं, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपकी 3 चीजें कौन कौन सी चीजें, सेंट्रोइड जिसको आप लोग कहते हो केंद्रक, आपका ऑर्थो सेंटर जिसको आप कहते हो लंब केंद्र, ठीक है, और आपका इन सेंटर जिसको आप कहते हो अंतः केंद्र। ये क्या होते हैं आपके, कॉन्साइट करते हैं यानी समपाती होते हैं, एक ही जगह पर पड़ते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड समान है, तो आपके ये तीनों एक ही जगह पड़ेंगे, ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट, आपके पास अगर कोई एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी और ये आपका सी, ठीक है, कंसेप्ट पर जाना, ये नहीं कि मैडम डायग्राम गलत बन गया चलो सही बना देते हैं, फिर पता चला कभी कोई कहने लगे, है ना, कहने वाले बहुत हैं। ये ट्राइंगल हमने बना दिया ए बी सी, इसकी हमने माध्यिकाएं ली, मिड पॉइंट्स लिए, ये माध्यिकाएं यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बराबर, माध्यिकाएं ये पार्ट बराबर, सेंट्रोइड जी आया, क्या आया, सेंट्रोइड जी आया। तो जो आपका सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, वो डिवाइड करता है किसको, माध्यिका को, मीडियन को, हमेशा किस रेशो में डिवाइड करता है वो आपको ध्यान रखना है, इन 2:1 में, यानी ये ऊपर से वर्टेक्स से पार्ट 2 होता है और बेस से पार्ट 1 होता है, ठीक है। जो सेंट्रॉइड होता है केंद्रक, किसी भी ट्रायंगल में माध्यिका को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। 2 जो है वो कहां से होना चाहिए, वर्टेक्स शीर्ष से, और 1 कहां से होना चाहिए, साइड से, सम्मुख भुजा से। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। एंड लास्ट, फाइनली लास्ट, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, डायग्राम गलत हो गया, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, क्या है आपके पास बच्चे, एक ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल के अंदर आप 3 चीजें ले रहे हो, कौन कौन सी चीजें ले रहे हो, सर्कम सेंटर ले रहे हो, परिकेंद्र सी, ठीक है भाई, पहला, दूसरा आप इसके अंदर ले रहे हो सेंट्रॉइड केंद्रक जी, और तीसरा आप इसके अंदर ले रहे हो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र यानी ओ। मैंने डायग्राम ऊपर भी और नीचे भी एक सिस्टम में बना रही हूं। अगर किसी ट्राइंगल के आप सर्कम सेंटर परिकेंद्र सी, सेंट्रॉइड केंद्रक, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र तीनों ले रहे हो, तो ये तीनों हमेशा एक ही लाइन पर पड़ते हैं, सी जी ओ, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी भी त्रिभुज के अंदर सेंट्रोइड केंद्रक,
सर्कम सेंटर परिकेंद्र ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र एक ही लाइन पर पड़ते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये सेंट्रॉइड होता है केंद्र के बीच में पड़ता है, जो कि इस सर्कम सेंटर परिकेंद्र और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र को मिलाने वाली लाइन को 1:2 में बांटता है, यानी ये ऊपर का पार्ट 1 और नीचे का पार्ट होता है 2। सी जी अपॉन जी ओ 1:2। अगर यहां भी देखो डायग्राम में तो ये सी जी वाला पार्ट अगर 1 है तो ये वाला पार्ट 2 होगा। सेंट्रॉइड हमेशा 1:2 में काटता है। किसमें काटता है? 1:2 में। सर्कम सेंटर से डिस्टेंस 1 होगी और ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस 2 होगी। ठीक है, तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड दे देगा, ऑर्थो पूछ लेगा। ऑर्थो और सर्कम सेंटर दे देगा, सेंट्रॉइड पूछ लेगा। सो MN सेक्शन करे तो हैं हमने। तो आज मैंने आपको कार्टिजन सिस्टम का पूरा कंसेप्ट एक शॉट में फिनिश करा है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कुछ की कराई है, कुछ रह गए आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए या प्रैक्टिस पेपर उनसे आप करिए, डाउट्स आते हैं पूछ लीजिए। एंड जब हम लोग लाइव आएंगे प्लस कोर्सेज पे तो लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और उस समय मैं कहूंगी कि मैं कंसेप्ट पहले पढ़ा चुके हूँ तो आप लोग ये पढ़े हुए हो पहले से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाओं की। एंड मुझे जरूर फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब करने में, है ना, चित्रा जीना के नाम से, ताकि जितनी जल्दी लाइव क्लासेस आए आप लोगों को वो मिल जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टिल देन बाय बाय एंजॉय। लेंदी हो गया सेशन लेकिन मजा आया होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।